हेलो एवरीवन आई होप आप लोग सब ठीक होंगे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अ कॉमिक एपिक पोयम इन प्रोस एज अ कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोस कॉमिक कहते हैं कॉमेडी को और एपिक कहते हैं अ लॉन्ग नेरेटिव पोएम तो जोसेफ एंड्रियोस एक कॉमिक एपिक है प्रोज फॉर्म में जिसे हेनरी फील्डिंग ने ये टाइटल दिया कॉमिक एपिक पोएम ज कम्प्रीहेंसिव एंड कंटेन्स मैनी इंसिडेंट एंड कैरेक्टर्स लाइक अ क्लासिकल एपिक एक like एपिक की तरह ही इसके अंदर ये कॉम्प्रीहेंसिव होती है मतलब बहुत ज्यादा लेंथी होती है इसके अंदर बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं कैरेक्टर्स होते हैं But unlike the serious epic which treats great persons and historical figures, great theme and sublime diction, the comic epic treats persons of inferior rank and manners, a general subject matter, and its diction is not sublime, rather ridiculous. कॉमिक एपिक के अंदर क्या होता है कि इंफीरियर रैंक के किसी पर्सन को लिया जाता है जबकि हम क्लासिकल एपिक में देखते हैं कि कोई हीरोइक पर्सन होता है जिसकी लाइफ के ऊपर वो स्टोरी बयान की जाती है जैसा कि हम पैराडाइज लॉस्ट में देखते हैं कि शैतन शैतान के लाइफ के ऊपर वो पूरी स्टोरी बेस्ड है लेकिन कॉमिक एपिक है क्योंकि ये कॉमेडी है इसके अंदर तो एक इंफीरियर रैंक के पर्सन को इसके अंदर हम देखते हैं एक जनरल सब्जेक्ट मैटर होता है और किस लैंग्वेज होती है एज फार एजेफ एंड्रियोज एज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज इज कंसर्न इट इज ट्रू दैट वी कैन टर्म a comic कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोस बिकॉज फील्डिंग हिमसेल्फ it कॉमिक एपिक पोएम इन prose इन द preface टू Joseph Andrews. तो हेनरी फील्डिंग ने इसको ये नाम दिया ये टाइटल दिया कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोस देन द एलिमेंट ऑफ वॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एन एपिक एपिक पोईम के अंदर वॉर का एलिमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है और जोजफ एंड्रीज के अंदर भी हम वॉर का एलिमेंट देखते हैं जब वो पना गाह पर रुकता है और उसकी इंसल्ट करता है उस पना गा का होस्ट और उसके बाद उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है और मिसिस स्लिप स्लॉप और लैंड लेडी भी उस लड़ाई का हिस्सा बन जाते हैं तो इस तरह से बहुत से एपिकल एलिमेंट्स हैं इस नॉवल के अंदर एपिक कन्वेंशन इज द यूज ऑफ डाइग्रेशन डाइग्रेशन कहते हैं ब्रीफ डिपार्चर फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट मतलब थोड़ी देर के लिए मेन सब्जेक्ट से हट जाना तो ये देखते हैं टू मेजर डाइग्रेशन इन जोसेफ जोजफ देयर आर सीमिंगली इेलिवेंट स्टोरीज ऑफ लियोनारा एंड मिस्टर विल्सन जब उनकी कहानियां सुनते हैं हम तो एपिक राइटर्स कंसीडर्ड देम एज एम्बेलिशमेंट एम्पैलिशमेंट स्टोरी के अंदर वो एम्बेलिशमेंट का काम करते हैं फील्डिंग हाउ एवर मेक्स द इंटरपोलेशन थीमेटिकली रेलिवेंट वो रेलिवेंट बना देता है उनको फॉर दीज आर नॉट इन इनरेवेंट इन रियलिटी तो रियलिटी के अंदर ये जो स्टोरीज हम देखते हैं या डाइग्रेशन देखते हैं ये इनरेलीवेंट नहीं है उसके बाद फॉर्मूला ऑफ डिस्कवरी एज डिस्क्राइब्ड बाई अरिस्टोटल एंड असेंशियल एलिमेंट ऑफ एन एपिक डिस्कवरी का एलिमेंट एक एसेंशियल एलिमेंट है एपिक का और जोसेफ के अंदर भी फील्डिंग ने यूज किया है एंड में हम देखते हैं कि जोसेफ मिस्टर विल्सन से मिल जाता है अपने फादर अपने बाप के साथ मिल जाता है और फैनी को भी पामेला का की सिस्टर बन जाती है वो उसको भी पता चल जाता है कि वो पामेला की सिस्टर है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखते हैं हम जोसेफ एंड्रियोस के अंदर देन फाइंड अ कॉमन मैन एज हीरो मतलब एपिक क्लासिकल एपिक के अंदर हम ऐसा हीरो देखते हैं जो नोबल रैंक का होता है लेकिन कॉमिक एपिक है जोसेफ एंड्रियोस इसलिए हम एक कॉमन मैन को एज अ देखते हैं हु इज अ फुटमैन ऑफ लेडी पॉपी

जिसे, जिसमें हम अरिस्टोक्रेसी के कलर्जी मैन क्यूरेट्स इनकीपर्स लॉयर्स सर्वेंट्स हाईवे मैन एटसेट्रा तो हर दर्जे के लोग हम इस स्टोरी के अंदर देखते हैं कैरेक्टर्स हर दर्जे के होते हैं अरिस्टोक्रेट भी होते हैं कलर्जी भी इन कीपर्स भी लॉयर्स भी मतलब हर दर्जे के लोग इस स्टोरी के अंदर इस एपिक के अंदर हम देखते हैं उसके बाद दो द एक्शन ऑफ द नावल इज नॉट एज ग्रेट एज द एक्शन ऑफ एन एपिक नॉवल कॉमिक जोजेफ से वो एक सफर शुरू करता है फैनी को ढूंढने के लिए ओन द वे जोजफ क्रॉसेस मैनी रोड हाईवे कंट्री साइड स्टेज एट मैनी इन बहुत सी नागाहों पर रुकता है एंड मीट्स मैनी पीपल ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बिग एक्शन तो ये एक ग्रेट एक्शन को डिफाइन करते हैं कि हम इसके अंदर उसके सफर देखते हैं कि किस तरह से वो रस्ते में पनागाहों पर रुकता है लोगों से मिलता है तो ये भी एपिक का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है उसके बाद हाई सीरियसनेस इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन एपिक एपिक पोइम के अंदर हम सीरियसनेस देखते हैं बहुत ज्यादा बट इन जोजफ एंड इज अ ग्रेट डील ऑफ कॉमेडी एंड ह्यूमर क्योंकि ये कॉमिक एपिक है क्लासिकल एपिक नहीं कॉमिक एपिक है इसलिए इसके अंदर हम कॉमेडी और ह्यूमर देखते हैं बिकॉज इट इज अ कॉमिक एपिक नॉवल बट बिहाइंड कॉमेडी देअर लाइज अ सीरियस पर्पज ऑफ रेफरमेशन एवरी एपिक हैज अ मॉरल लेसन इन इट एंड दिस इज नो एक्सेप्शन विद द कॉमिक एपिक कि हर एपिक के अंदर या क्लासिकल एपिक जिसे हम कहते हैं उसके अंदर एक मोरल लेसन होता है और इस कॉमिक एपिक के अंदर भी मोरल लेसन मौजूद है वी गेट मोरल लेसन फ्रॉम द नोवेल जोसेफ एंडरियोस दैट इफ अ मैन डज नॉट वांट टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन इमोरल एक्ट्स देन नो वन कैन इंडल्ज हिम इन दैट टाइप ऑफ एक्टिविटीज कि अगर कोई इंसान गलत कामों में खुद से शामिल ना होना चाहे तो कोई उसे जबरदस्ती शामिल नहीं कर सकता

सो इन नट शेल वी कैन कंक्लूड आवर डिबेट दट जोस इज अमिक एपिक इन प्रोस इन ट्रू सेंस ऑफ दर्म इट हैज दीचर ऑफ अ कॉमिक एपिक इन प्रोस तो हम इसको एक्चुअल वे में कॉमिक एपिक इन प्रोस कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक एपिक पोएम के तमाम एलिमेंट्स मौजूद है तो यहां पर खत्म होता है हमारा आज का ये लेक्चर उम्मीद है आपको समझ आई होगी आज के लिए इतना ही मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज